नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करेंगे पांच ऐसे आइडिया जो कि आप फैंटेसी के अंदर यूज करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। उन पांच आइडिया पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, उन आइडिया पे आपको प्रॉपर फोकस ही होगा। ऐसा नहीं है कि पहले मैच में वो आइडिया काम ना करे तो आप दूसरे मैच में आपका आइडिया चेंज कर दे, वो बात अलग होती है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि फैंटेसी में मेजरली प्लेयर वही करते हैं जो आप करते हैं। आप क्या करते हैं, यदि आप किसी प्लेयर को बैक करे हो ना तो नेक्स्ट मैच में आप उस प्लेयर को ड्रॉप कर देते हो, लेकिन नेक्स्ट मैच में वही प्लेयर एज ए कैप्टन बन जाता है। तो आप सोचते हो कि यार मैंने कल इसको कैप्टन बनाया था, इसने कुछ नहीं किया यार, लेकिन आज के मैच में सीधा कैप्टन बन गया, किस्मत ही खराब है, क्या करे। ऐसा नहीं होने वाला भैया, ये जब तक होता रहेगा जब तक आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे कि भाई फैंटेसी में किस्मत काम आती है। नहीं भाई, किस्मत काम आती है, मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इसके अंदर जो लॉजिक होता है ना, क्रिकेट मैच में हमेशा लॉजिक काम करता है। जिस दिन आपका लॉजिक लग गया ना, उस दिन आपकी ग्रैंडली श्योर है, अच्छी खासी अर्निंग आप उस दिन कर लोगे। तो चिंता मत करो, ग्रैंडली का नाम ही है ग्रैंड लॉस और ग्रैंड विनिंग। तो आप चीज़ को समझने की कोशिश करो, जब आपका ज़्यादा लॉस हो रहा है ना तो ये कन्फर्म है कि आने वाले समय में आपका अच्छा खासा विनिंग होगा, ये श्योर है। वो लॉस क्यों होता है वो आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा, क्या कारण है कि मैं मैक्सिमम टीम नहीं लगा के, कम से कम मैं तो 5-6 टीम लगा के ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूँ ना। मैं आपको पांच ऐसे आइडिया जो अभी इस वीडियो में कवर करूँगा वो आपको फॉलो करना है। और आने वाले समय में आपको पता है बिग बैश लीग आने वाली है, आईपीएल के बाद में सबसे बेस्ट लीग लगती है मेरे को बिग बैश लीग। देखो आईपीएल पे तो सभी जानते हैं क्योंकि वहाँ पे ना ऑल कंट्री के प्लेयर खेलते हैं, लेकिन बिग बैश लीग में क्या होता है कि इंडिया के छोड़ के और अदर कंट्री के प्लेयर खेलते हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो पिच कंडीशन ना, ऑस्ट्रेलिया की जो पिच कंडीशन है वो ट्रूली होती है, मतलब जो कंडीशन अपन पढ़ते हैं ना भाई पिच क्या कह रही है उसके हिसाब से ही मैच होता है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, प्रेडिक्शन के लिहाज से वो बहुत ही अच्छा मैच चला जाता है अपने फैंटेसी प्लेयरों के लिए। तो देखो बिग बैश लीग के 65 मैच आने वाले हैं, है ना, जनवरी और दिसंबर तो अपना बिग बैश लीग के लिए हो जाएगा। फिर आपके फरवरी के अंदर PSL आ जाएगा, है ना, PSL से पहले आपके आबू धाबी है ना दुबई T20 फॉर्मेट का एक अलग से लीग करवाने वाली है, उसका वो भी आएगा। और फिर अफ्रीका के लिए मतलब कि मिनी आईपीएल भी होगा अफ्रीका के अंदर, 6 टीम खेलेगी। तो पता है मतलब कि ये फैंटेसी के लिए है ना, फैंटेसी एज ए करियर ये कभी कभी सोचते होंगे वो तभी पॉसिबल है यदि आप इस पर टिके रहते हो। आपको पता है यदि आप किसी की चीज़ पे स्टडी करते हो ना तो उस पर आपको टिका रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी स्टडी करते हो यदि आप उस पर टिके नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई सा काम कर लो, छोटे से छोटा है बड़े से बड़ा काम कर लो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो चाहे वो स्टडी का हो या फैंटेसी का हो। तो फैंटेसी में यही होता है कि जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो उस पर काम करते जाओ, रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पाँच ऐसे पॉइंट जो कि इस वीडियो में आपके साथ में कवर करूंगा। पहला पॉइंट बात करें तो पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रेडिक्ट विनिंग टीम। जो आपको सिंपल से टीम है, टीम ए और टीम बी, आपको बस इतना प्रेडिक्ट करना कौन सी टीम जीतेगी। भाई यहाँ ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, जो बैटिंग करने वाले हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है कौन जीतेगी कौन हारेगी, उनसे पूछो किसे प्रेडिक्ट करते हैं ना। लेकिन अपने फैंटेसी के लिए उतनी हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है कैसे प्रेडिक्ट करना है। वो हमें हर सारे पॉइंट का पहले पांच पॉइंट देख लो, हेडलाइन देख लो आप, ऑब्जर्वेबल पैटर्न जो मैं कॉम्बिनेशन कहता हूँ, मतलब कि 1-3-2-5 2-3-2-4 है ना, वो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं ना। तीसरा है CVC, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस सिलेक्शन करना है, ओबीसीली सबसे बेस्ट पिक होती है। यदि आप ये CVC एक्यूरेट है ना तो ग्रैंडली आपके लिए श्योरली विन कर सकते हो, ठीक है। चौथा और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स प्लेयर। ये जो सेक्शन है ना यदि आप इस पर रिलाई कर जाते हो ना तो मैं कह सकता हूँ आप स्मॉल लीग तो है ना आसानी से विनिंग कर सकते हो। मतलब 10 मैच स्मॉल लीग में खेलते हो तो 7 मैच आप कहीं नहीं गए, 8 मैच हारो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो चूज़ करेक्ट फैंटेसी ऐप, देखो मार्केट में बहुत सारे फैंटेसी ऐप आ चुके हैं। देखो ड्रीम इलेवन का कंपेरिजन करना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करना चाहता हूँ, मतलब ये हमारे बहुत सारे फैंटेसी यूजर है जिनका मतलब कि इन्वेस्टमेंट प्लान थोड़ा लो होता है ना, कहीं का हाई होता है, जो हाई करते हैं वो तो ड्रीम इलेवन पे ही जाते हैं, है ना। लेकिन जो आप स्मॉल लीग खेलना चाहते हो ना तो आप अदर साइड पे खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप ग्रैंड लीग पे स्मॉल लीग ज्वाइन कर रहे हो ना तो मैच से 2 दिन पहले ज्वाइन करो, सिंपल सा लॉजिक है। यदि स्मॉल लीग में आपको विन करना है ना तो मैच से 1 दिन या फिर 2 दिन जैसे ही मैच लॉन्च होता है आपके ड्रीम इलेवन में, आप स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट को ओपोनेंट को ना वो प्रोफाइल चेक करके ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है ना। और जिस मतलब कि जिसका परसेंटेज कम होता है आपसे, अब उस सेक्शन में उस
कॉन्टेस्ट में आप ज्वाइन कर लिया करो, स्मॉल लीग की टीम कोई सा भी कॉन्टेस्ट हो, 3 मेंबर 4 मेंबर जो भी हो, 2 मेंबर का ना खेले तो ये अच्छा है, ठीक है ना। और देखो आपकी माई फेब 11 है, विजन 11 है, ये दो ना ऐसी है मतलब कि आपके ऑल ओवर इंडिया वर्किंग ऐप है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट में जो कॉम्पिटिशन है ना वो बहुत ही कम मिलता है, वो भी मैं 20 नवंबर की तारीख थी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ODI मैच था, वहाँ पे हमारे मेंबर ने अच्छी खासी रनिंग की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो इन्होंने ना टोटल कितनी टीम क्रिएट की थी, देखो 5-6 टीम इन्होंने क्रिएट की थी और अलग अलग कॉन्टेस्ट में इन्होंने ज्वाइन किया, 2 कॉन्टेस्ट इन्होंने ज्वाइन किया था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था इन कॉन्टेस्ट 2 कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पे देखो 9 लाख तो इन्होंने विनिंग की थी और टैक्स करके आपको 630 इन्होंने विन कर लिया। इसमें इनकी फर्स्ट प्राइज आई थी 4 लाख की, है ना। और यहाँ पे देखो ये दूसरा कॉन्टेस्ट था, देखो और यहाँ पे फर्स्ट रैंक आई थी इनकी अभी, और 5 लाख इन्होंने विनिंग अमाउंट। तो देखो आप ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, यहाँ पे है ना जाके ID को चेक कर सकते हो, हमारे सॉफ्टवेयर का आपको लोगो मिल जाएगा, इस ID पे जाके और चेक करो, है ना, आप है ना अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और जो टीम अपने बता रहे हैं तो ये टीम है ना हमारी सॉफ्टवेयर की टीम है ना, सॉफ्टवेयर की टीम कभी एडिट नहीं होती है ना, तो इसलिए ये स्क्रीनशॉट आप रिलाई कर सकते हो। कितने 1139 है ना, ये सॉफ्टवेयर की टीम है, यहाँ पे देखो 1139 है, तो आप इस चीज़ें फोकस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर में पावर है कि ग्रैंड लीग को क्रैक करने की, लेकिन उस क्रैक करने के लिए भी अपन को माइंड लगाना है। वो जो माइंड है ना, जो जितने मैंने अभी जो टिप्स बताए, 5 आइडिया मैंने बताए ना, वही इस बंदे ने फॉलो किए थे और अच्छी खासी अर्निंग कर ली थी। ये बंदा कंटिन्यू ज्वाइन कर रहा था, इनको भी लॉस होता, हालांकि लास्ट में इन्होंने अच्छी खासी अर्निंग की थी भाई, 6 लाख की अर्निंग की थी। तो कहने का मतलब यही है कि फैंटेसी में टिके रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो आइडिया पे आप खुद पे विश्वास करते हो ना, उस पे आप कंटिन्यू रन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके मैंने ये जैसे हमारे जिसने बताया कि हमने इतना अच्छा खासा अर्निंग किया, उसके बाद में ही हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि ना हमें प्रूफ भी मिल जाए कि ये चीज़ हकीकत है और ये हो सकती है फैंटेसी में, तो आप इस चीज़ पर विश्वास कर सकते हो ना। तो आप ना सॉफ्टवेयर पे जाओ, टीम क्रिएट करो, ये 4 आइडिया उस पर फोकस करो और आप टीम क्रिएट कर सकते हो, और आपको हर इंडिया वर्सेज इंडिया के जितने मैच होते हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और बिग बैस लिख के भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि लगभग कंटेंट आपको वीडियो में क्रिएट मतलब कि मिल जाएगा पॉइंट है। और देखो जो अपन जो 5 पॉइंट कवर करेंगे ना, इन 5 पॉइंट का ना अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से जितने हमारे फैंटेसी चैनल है ना, फैंटेसी यूजर है जो हमारे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो उनको तो पता होगा अब ये सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, जो नए यूजर्स है उनको भी पता चल जाएगा। देखो इस वीडियो के बाद में या फिर इस वीडियो से पहले आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का पहला ODI का मैच मिलेगा, तो वहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन सी वीक टीम है, कौन सी CVC, तो उसके हिसाब से मैं ना तभी ना ये वीडियो बना रहा हूँ कि उस मैच में आप ना ये चीज़ आप ट्राई करो और फिर आप रिजल्ट का वेट करो, ठीक है। तो पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी टीम जीतेगी। सबसे पहले पॉइंट देखो, जो टीम जीतती है ना उसे कैप्टन बनता है, सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको फाइंड करना है कौन सी टीम जीतेगी। तो आज मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला ODI मैच है, तो वहाँ पे आपकी इंडिया जीत जाएगी, ODI मैच इंडिया जीत जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा बॉलिंग अटैक थोड़ा कमज़ोर है इंडिया का, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है ना इसलिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, और वहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, आप जो टीम जिताना चाहते हो उसके ज़्यादा प्लेयर लेने हैं। आप इंडिया का देखो, इंडिया से बांग्लादेश का मैच होगा तो आप इंडिया के 7 प्लेयर हो गए, 4 प्लेयर और 5 प्लेयर हो गए बांग्लादेश के, तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना पार्टीशन का कि 7-4 का कॉम्बिनेशन आपको पिक करना है, ऐसे मतलब कि मान लेंगे इंडिया मैच जीत जाएगी, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। अब ये तो देखो इंडिया वर्सेज बांग्लादेश में तो आपको पता चल जाएगा कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन जब इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का मैच होता है आपको बता सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी, नहीं बता सकते ना, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूँ। आगे करना है, जैसे मैच होता है तो मैच से 1 घंटे या फिर 2 घंटे पहले ड्रीम इलेवन में जाओ और वहाँ पे है ना टीम क्रिएट करो, जो परसेंटेज सिलेक्शन है उसके हिसाब से टीम क्रिएट कर लो, और 30-70% के बीच में जिस टीम के ज़्यादा प्लेयर आ रहे हैं ना आप उस टीम के ज़्यादा प्लेयर पिक कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। 30% से लेके 70% के बीच में जितने प्लेयर आ रहे हैं ना आप उन प्लेयर को पिक कर लो, मतलब कि जितने प्लेयर आ रहे हैं, मतलब एग्जांपल ले लो, इंडिया के 6 प्लेयर आ रहे हैं और आपके इंग्लैंड के 8 प्लेयर आ रहे हैं, तो आप इंग्लैंड के ज़्यादा प्लेयर को पिक करना है ड्रीम इलेवन में, मतलब कि फिर 6 इंग्लैंड के, 5 इंडिया के
और फिर 7 इंग्लैंड के और 4 इंडिया के साथ में चल सकते हो। ऑब्जर्व वेल्यूबल पैटर्न, जो पैटर्न है ना मैं आपको ना हर एक वीडियो में बताता हूँ, आप उसके साथ में जाओ, ये ना इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये वो पैटर्न की बात करें ना, ये मैं बताता हूँ, एक्यूरेट बताता हूँ, कोई नहीं बताता, नहीं मैं बेते हो मैं नहीं करा, मैं उस पैटर्न पे मैंने बहुत काम किए। तभी आप ना रिसेंटली वीडियो देख सकते हो कि मैं जो कॉम्बिनेशन बताता हूँ वो 90% ड्रीम इलेवन का कॉम्बिनेशन से मैच होता है। मतलब कि 1325 बताता हूँ, 1424 बताता हूँ। ओडीए के देखो, ओडीए रिसेंटली बहुत ही कम मैच हुए हैं ओडीए के, तो ओडीए का मैं नहीं कह सकता, लेकिन T20 फॉर्मेट में बेस्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। बात करते हैं CVC की, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो आपको क्या करना है, जो टीम आप फेवर करे हो वहाँ पे कैप्टन सेलेक्ट कर लो, और मेरी मानो ना तो आप वाइस कैप्टन कम ही सेलेक्ट करो। मतलब कि 3 या 4 प्लेयर है ना, मैक्सिमम 3 प्लेयर आप वाइस कैप्टन के लिए सिलेक्शन कर लो। और ना यदि ODI मैच हो रहा है तो ऑलराउंडर को वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और T20 मैच में जिस सेक्शन में ज़्यादा प्लेयर खेल रहे हैं ना, आप उसमें वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का T20 मैच हो रहा है, वहाँ पे बॉलर नो बॉलर खेल रहे हैं ना, टोटल इंडिया और इंग्लैंड के दोनों बॉलर को ऐड करते हैं तो वहाँ पे नो प्लेयर खेल रहे हैं। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सेक्शन में कौन से प्लेयर आ रहे हैं, बॉलिंग सेक्शन में से। तो आपको वाइस कैप्टन है ना बॉलर को ही बनाना है, और कैप्टन आप विनिंग टीम से बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो अलग अलग लॉजिक होता है कैप्टन वाइस कैप्टन का भी। जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका डेथर को कैप्टन कर दो, नहीं जो टीम पहले बैटिंग करते हैं उसके ओपनर को कैप्टन कर दो, और उसी का एक स्पिनर को आप वाइस कैप्टन कर दो। ये कॉम्बिनेशन भी चलता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन आप चलता है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ 5 प्लेयर कैप्टन सेलेक्ट करने और 3 प्लेयर वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आपको ना डिफरेंट वीडियो मेरे हिसाब से चाहिए, क्योंकि देखो इस वीडियो में कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, कि ये वीडियो लंबा बन जाएगा। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना ये फैंटेसी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो छोटी सी बात करके हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे एक्यूरेट एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहाँ पे 80% प्रेडिक्शन है एज ए कैप्टन अपनी चली जाए। हालांकि मैं वीडियो में जो कैप्टन बताता हूँ, 5 प्लेयर बताता हूँ कैप्टन के लिए, 90% है ना उनमें से एक प्लेयर कैप्टन बनता है ना, कभी कभार नहीं बनता, वो बात अलग होती है। देखो क्रिकेट अनिश्चित हुआ खेल है, कभी कभार है ना जो 22 नंबर पे प्लेयर होता है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 6% होता है ना, वो भी कैप्टन बन जाता है, लेकिन वो रेयरली होता है, उस पर फोकस नहीं करना होता है। क्योंकि हम यार यहाँ पे मतलब एग्जांपल है 10 मैच खेलते हो, 9 मैच लॉस करके 1 मैच जीतने में से क्या फ़ायदा होगा यार, कोई मतलब नहीं है ना वो जीते। बात करते हैं फिक्स प्लेयर की, देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये वीक पॉइंट भी हो सकता है मेरे लिए ऐसे। क्यों, देखो यदि आप किसी प्लेयर को फिक्स कर रहे हो ना तो आपकी हर टीम में रहेगा, यदि वो फ्लॉप होता है ना तो आप ड्रीम टीम नहीं बन सकती। तो आप उन्हीं प्लेयर को फिक्स करो जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप उन्हीं प्लेयर को फिक्स करो जहाँ पे आप जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, उसका ना A2L रिकॉर्ड अच्छा हो, मानो छोड़ दो उसको, वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा हो सबसे बेस्ट होता है। और देखो यदि आप किसी बॉलर को फिक्स कर रहे हो ना तो मेजरली वो डेथ बॉलर होता है ना, आप उसको फिक्स कर लिया करो, क्योंकि मेजरली है ना डेथ बॉलर विकेट निकाल लेता है ना। और जैसे बिग बैश लीग आ रही है, इंडिया वर्सेस मतलब कि इंडिया का तो ODI मैच है, अभी आपको ODI मैच ही मिलेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो ODI का वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसके हिसाब से आपको ODI मैच बहुत मिलेंगे। तो ODI मैच की बात फिर करेंगे, लेकिन T20 फॉर्मेट में जो डेथ बॉलर होता है उसको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो, और जो मिडिल ओवर बॉलिंग करता है स्पिनर उसको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन पे, और वहाँ पे उनको फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। और है ना 4-5 प्लेयर फिक्स करके आप टीम क्रिएट करते हो ना, वो आप अच्छी खासी विनिंग कर सकते हो। और 5 प्लेयर ना वो फिक्स वही करो जो आपकी ड्रीम टीम में आने के चांस बनते हैं, ठीक है। और 5वां पॉइंट क्या है, चूज़ करेक्ट फैंटेसी ऐप, जो मैंने अभी बताया था मार्केट में बहुत सारे फैंटेसी ऐप है, ये ड्रीम इलेवन कंपेरिजन हो रहा है यहाँ से किसके साथ में, विजन इलेवन के साथ में क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ। क्लियर कट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे 34 लाख स्पॉट खेलते हैं, 34 लाख स्पॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे कितने 60,000 स्पॉट है। यहाँ पे एंट्री फीस भी आपके 40 रुपये, ये 40 रुपये कभी 50 रुपये निकाल देते हैं ना, 50 रुपये कॉन्टेस्ट यहाँ पर भी लगता है एंट्री फीस, और 50 रुपये भी यहाँ पे लगेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है स्पॉट का, है ना, स्पॉट का डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो 34 लाख 60,000, मतलब कि दिन और रात का अंतर आ जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट और सेकंड रैंक को छोड़ दो, तीसरी रैंक है ना 4.5 लाख प्राइस है, और 5 लाख यहाँ पे है विजन इलेवन फर्स्ट प्राइस। अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, विजन इलेवन है ना ग्रोथ कर रहा है, ड्रीम इलेवन तो ग्रोथ कर चुका है, वो कर रहा है, उनकी जो अलग अलग है ना वो ब्रांचेज बना रहा है, जैसे कि शेयर मार्केट का इन्वेस्टर ऐप निकाल दिया ना, और रारियो निकाल दिया, D3 निकाल दिया, ये ना ड्रीम इलेवन अब ब्रांच बनाने वाला है धीरे धीरे, है ना। तो उसका ना फायदा कौन उठाएगा, विजन इलेवन और अदर फैंटेसी ऐप हो सकती है, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट पिक होते हैं विजन इलेवन, क्योंकि यहाँ इसका ना जो फॉन्ट साइज है ना फॉन्ट वो अलग अच्छा है, मतलब कि ड्रीम इलेवन जैसा ही है, तो वहाँ पे आप
तो ये मनाक अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए क्या हो सकता है, देखो आईपीएल आने वाला है, बिग बैश लीग में मैं नहीं कह सकता कि ना विजन 11 में कॉन्टेस्ट मतलब कि एंट्री फीस भी ये रहे और विनिंग अमाउंट भी इंक्रीज हो जाए, नहीं कह सकते। आईपीएल के अंदर कि और पीएसएल के अंदर है ना शायद तक इसकी विनिंग प्राइस इंक्रीज हो सकती है, हो सकता है बिग बैश लीग में हो जाए। तो आप है ना विजन 11 के साथ में जा सकते हो, वहाँ पे कॉम्पिटिशन लो है और सॉफ्टवेयर से टीम क्रिएट करनी है। अभी जो 5 पॉइंट है ना हर एक मैच से आपको ना एक नोट पैड लेना है, आप डायरी लेना है, जो भी लेना है उस पर लिखो और फिर सॉफ्टवेयर ओपन करो और टीम क्रिएट करो, आप आसानी से विनिंग कर सकते हो।